हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नो वर्ल्ड सॉल्यूशन और मैं हूं प्रतीक। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CTI के फॉर्म जो अभी 10 तारीख को ही स्टार्ट हुए हैं और जिनकी लास्ट डेट जो है आपकी 31 मई है। तो आइए देखते हैं क्या खास है CTI फॉर्म में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से इसे भरना है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप CTI का जो फॉर्म है वो सर्च कर लीजिए। एड्रेस बार पे लिखिए CTI एडमिशन और एंटर करके सर्च कर लीजिए गूगल पे। जो पहला लिंक है आप उसे ही क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडमिशन इनटू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्सेज विल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 30/6/2018। तो 30/6/2018 को इसकी डेट जो है वो फिक्स की गई है टेस्ट के लिए। और इसमें आपको ड्यूरेशन वगैरह सभी चीज़ बताया जा रहा है कि ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मल्टी चॉइस है, 75% रिलेटेड टू द ट्रेड IT लेवल एंड 25% क्वेश्चन पर्टेनिंग टू एप्टीट्यूड लॉजिक न्यूमेरिक एंड रीजनिंग, जो कि आपके ये आपका सिलेबस है जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएगा। तो दोस्तों, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सब डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमारा PDF है वो ओपन हो चुका है। ये PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। जैसा मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि हमेशा जो है एडवर्टीजमेंट चेक कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट से, जो CTI के इंस्टीट्यूट से, वो सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही है। और जो आपका कोर्स है वो जो स्टार्ट होगा August 2018 to January 2019 तक, और सेकेंड सेमेस्टर जो होगा वो February 2019 to July 2019 तक होगा। और जो डेट है हमारी स्टार्टिंग की रजिस्ट्रेशन की वो है 10/5/2018 to 30/5/2018। यहाँ पे जो सेमेस्टर की फीस है वो दी गई है, कैटेगरी जनरल SC ST के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये देख लीजिए। और डेट दी गई है यहाँ पर जो टेस्ट होना है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो होना है, उसका डेट आपको 30/6/2018 दी गई है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि NTC, NAC और डिप्लोमा डिग्री, यहाँ पर आपके जो ITI वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जो डिग्री होल्डर्स हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर है 400 जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, जो 200 है वो आपका SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है 200 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेड वाइज है उसमें कितनी सीटें हैं और कितनी रिजर्व हैं, ये सारी चीज़ें आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उसी के बाद हम लोग को ये जो फॉर्म है फिल करना है। तो अभी हम आएंगे CITS के एडमिशन पेज पर। यहाँ पर जो हमारा लिंक है NIMI Online Admission.in, इसे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं CITS के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता करना है तो आप देख सकते हैं अगरतला, अलाहाबाद, बेंगलोर, कैलकट, देहरादून, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, दोबारा चेक कर सकते हैं। और डाउनलोड में जाकर आप प्रॉस्पेक्टस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट्स के लिए वो कर लीजिए। तो इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो चेक कर लीजिए। कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, स्कैनिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, 10th का या 8th का जो सर्टिफिकेट है और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफ और फॉर्मेट दिया गया है और यही नॉर्मल सब डिटेल है जो एक फॉर्म भरने से पहले हमें देखी जानी चाहिए। और इसके बाद हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ क्लिक है फॉर CITS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और फिलअप करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट नेम, यहाँ पर हम नॉर्मल फेक डिटेल्स डाल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देंगे।
यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और अगर आधार नंबर है तो डाल दीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। जब एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर जो आप एक कॉपी लेकर जाएंगे आधार की, आईडी प्रूफ की, तो वहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा। और जिनके पास नहीं है वो नहीं भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा या आपके पास आईटीआई है तो एनसीवीटी करेंगे, डिग्री है जो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, डिप्लोमा जो टेक्निकल डिप्लोमा होता है आपके पास तो वो भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास आईटीआई है तो एनसीवीटी करेंगे। ओके करना है, एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग का हो चुका है। इसका चाहे तो आप प्रिंटआउट ले लीजिए, आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए या इसे कॉपी करके नोटपैड पर रख लीजिए। तो यहाँ पे यूज़र आईडी जो है हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारा मोबाइल नंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे कोई गलत होगी इन्फॉर्मेशन तो आप उसको यहीं पर चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे तो अपलोड डॉक्यूमेंट में सीधा अपलोड कीजिए। यहाँ से आप जो पूछ रहे हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है, तो फोटोग्राफ विद सिग्नेचर बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक साथ बनाना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसे नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन से बना सकते हैं, लाइक जैसे पेंट हो गया, अगर फोटोशॉप है तो आप फोटोशॉप से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेनी है आपने, सेंटीमीटर में 3.5 और 6 हाइट ले लीजिए, 250 रिजोल्यूशन रखिए, जो आपके पास फोटो है वो ले लीजिए और जो सिग्नेचर है उसे भी ओपन कर लीजिए। कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके आप उसे स्ट्रेच कर लीजिए और ऐसे सिग्नेचर को लेकर आ जाइए, फाइल में जाके इसे सेव करके किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। यहाँ पे 40 KB लिखा है तो हम लोग 40 KB से कम ही रखेंगे फाइल। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, सर्च करना है और अपलोड कर देना है। अब नीचे आ रहा है अपलोड योर सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कीजिए। अपलोड योर कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट उसे अपलोड करना है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर स्किप टू अदर अपलोड इफ नॉट SC ST ऑब्लिक OBC तो आप इसे स्किप कर दीजिए। 8th या 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए इसमें, मैं फिलहाल ब्लैंक ही करूँगा। अपलोड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे जैसे ITI डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है उसे अपलोड कर दीजिए। अगर कोटा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे फिजिकल हैंडीकैप जो है, एक्स सर्विसमैन जो है, वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अब ट्रेड स्टडी क्या है, जो आपने ट्रेड सेलेक्ट करना है वो आप अपने पहले सबसे पहले जो इसका ब्रोशर है उसमें चेक कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपका ट्रेड है उसे सेलेक्ट कीजिए और जो चॉइसेस है वो यहाँ से आप इंस्टीट्यूशन की चॉइसेस ले लीजिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन में आपने अप्लाई करना है आप देख लीजिए यहाँ से। तो जो आपके नज़दीकी हो, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल हम जो है रैंडमली कर रहे हैं, सबमिट कीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए देहरादून, नोएडा या जो भी आपके नज़दीकी है, हल्द्वानी, अलाहाबाद। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसे कॉपी करके सेम वैसे ही कहीं पर इसे रख लीजिए,
और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हो जो आपने भरा है। यहाँ पर है सारी एप्लीकेशन और आप चाहते हैं कि अपने जो फॉर्म की जो पेमेंट है वो करना चाहते हो तो पे योर फी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डिटेल्स वगैरह आ रही है, चेकआउट पर क्लिक कीजिए। बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूरी फील्ड है, यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जिसे आप करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा उसे इसमें एंटर करने के बाद मेक पेमेंट कर दीजिए और इसके बाद जैसे ही ये रिडायरेक्ट होके वापस आपके डैशबोर्ड पे लेकर जाएगा तो वहाँ से आपको जो आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है या एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए। तो दोस्तों ये है CTI का फॉर्म और इस तरह से हमें इसे भरना है और ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस फॉर्म को भरिएगा। कोई भी परेशानी आपको होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।